हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग फिर से बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन पर। जैसा कि टॉपिक चल रहा है, मैंने बताया कि ना, जब तक मैं सारा फिनिश नहीं करूँगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो कहा गया ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आपकी बार। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें हालांकि पढ़ ली हैं, 60 क्वेश्चन भी किए हैं, थ्योरी भी कर ली मेंस्ट्रुएशन से। अब हमको क्या पढ़ना है? चतुर्भुज के कुछ टाइप हैं, वो स्पेशल टाइप में आते हैं, जो वो हमको थोड़ा अलग हटके सीखने पड़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं। ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ जो कि 100% आपको मालूम ही होनी चाहिए उस हिसाब से। तो बात करते हैं थोड़े पहले चतुर्भुज की। अब चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटर में, चतुर्भुज तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने जैसे मैंने आप अगर मेरे रेगुलर फॉलोवर हैं तो आपने कई सालों से आपने देखा होगा, पीछे एक दो साल से मेरे जो लेक्चर पढ़े हैं मेंस्ट्रुएशन का, काफ़ी पॉपुलर हुए हैं। तो उनमें आपने देखा होगा कि हमने पूरा विधिवत डिस्कस किया है। पहले थ्योरी पढ़ाई है, फिर क्वेश्चन लगवाए हैं, अच्छे अच्छे हार्ड क्वेश्चन भी लगवाए हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सिलेबस को आसान करके और हार्ड तरफ ले जाऊंगा, जिससे आपको एहसास ना हो कि हम लोग क्वेश्चन कितनी कठिनाई से, जो कठिनाई वाले क्वेश्चन है, कितने आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस हिसाब से चतुर्भुज में हम लोग क्या देखना है, देखो एक पर्टिकुलर चतुर्भुज की बात करते हैं, यानी कि कोई भी चतुर्भुज आयत या वर्ग का नाम नहीं, केवल केवल चतुर्भुज की बात करें। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि केवल केवल चतुर्भुज का फॉर्मूला बताइए, तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं कह सकते, आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई नहीं कह सकते, ऐसे कुछ भी नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है वो चीज़ आप जान लीजिए। देखो पहले हम चतुर्भुज आपको बना के बताते हैं कैसे बनेगा चतुर्भुज। अच्छा, चतुर्भुज वो आकृति होगी, कैसी भी हो सकती है चतुर्भुज, कैसी भी हो सकती है चतुर्भुज आकृति, बस कंडीशन ये है कि उसके सभी चारों पॉइंट मिले होने चाहिए, चार लाइनें होनी चाहिए, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होनी चाहिए। जैसे ये चतुर्भुज कोई भी आकृति ले सकता है, लेकिन ये क्लोज फिगर होना चाहिए। अब यहां पर इसका अगर हम नाम दे दें, ए बी सी डी, और ये क्या हो जाएगा इसका, ये विकर्ण हो जाएगा भाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप समझिएगा। इसका बस आपको ध्यान में क्या रखना है, पर्टिकुलर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। जब कोई चतुर्भुज ना कहा जाए, केवल आपसे कहा जाए चतुर्भुज, आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज, ये कोई नाम ना दे, उस तब की बात है। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल देखना, 1/2, 1/2, आप समझना, ये है एक आधार, मान के चलेंगे आधार यानी कि BD। अब यहां से इस आधार पर एक लंब पड़ेगा ऐसे, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं AM। ओके, अब इस पॉइंट से इस पर फिर लंब पड़ेगा, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं N, यानी कि CN। इसका मतलब हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे 1/2 आधार कह लीजिए, या हम इसका नाम BD रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी भुजा होगी जिस पर लंब पड़ेगा BD, और गुणे में लंब का योग यानी कि AM प्लस CN। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 आधार यानी कि जिस पर हमारा लंब पड़ा है AM और CN, इन दोनों को ऐड करके फिर गुणा करानी है। ये चीज़ ध्यान रखना। आपको सिंपल सा सवाल दिया जाएगा कि एक चतुर्भुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, जिस पर लंब क्रमशः 5 और 3 सेंटीमीटर के हैं, तो उनका क्षेत्रफल बताइए। तो 5 और 3 दोनों को जोड़ लो 8, और यहाँ पर जो दिया गया वो आधार 10 और गुणे में, बस आपका आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी क्वेश्चन में। ओके, तो ये एक बात है, चतुर्भुज की बात हम गर्म कर रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ने, इसमें चतुर्भुज के अंदर ये टाइप आता है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। क्या आता है? समांतर चतुर्भुज। अब नाम से स्पष्ट है, समान अंतर भाई, इसका अगर हम छंद विच्छेद कर दें समांतर का, तो यहां पर आएगा समान प्लस अंतर, यानी कि आ और आ बड़ा आ बन जाएगा, इसलिए यहां पर आ बन गया। तो समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, यानी कि समान अंतर किसमें? चतुर्भुज, यानी कि जो चार भुजाएं हैं उनमें समान अंतर, यानी कि समान अंतर चतुर्भुज। तो देखो बनाने का अगर हम प्रयास करें, आपने आयत देखा है, जानते हैं आयत के बारे में सब कुछ, आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसका क्षेत्रफल परिमाप होता है 2, क्या होता है 2
टू एल बी विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आयत के बारे में। आयत को थोड़ा अगर यहाँ से दबा दिया जाए ना तो ये समांतर चतुर्भुज का काम करता है। जैसे देखो ये देखो, है तो एक आयत लेकिन ये काम करेगा समांतर चतुर्भुज। कैसे? क्योंकि आयत है ना उसको थोड़ा दबाया गया है। सेम इसी प्रकार जैसे आयत की लंबाई और चौड़ाई यहां पर आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, सेम इसी प्रकार इसकी भी सामने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। अब इसके परिमाप की बात करें समांतर चतुर्भुज की, अगर परिमाप की बात कर लें तो इसका जो परिमाप होता है जो आयत का होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, टू एल बी, टू अंडर रूट में एल बी, भाई भुजाएं तो वही है बिल्कुल। फिर अंतर क्या हो गया आयत और समांतर चतुर्भुज, अंतर सिर्फ इतना है कि आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है यानी कि 90 का कोण बनाता है, जबकि समांतर चतुर्भुज का 90 का कोण नहीं बनाता है, एक 90 से कम बनाता है दूसरा 90 से ज्यादा बनाता है। ये बात है समांतर चतुर्भुज। कोई पूछे कि समांतर चतुर्भुज और आयत को आप कैसे डिफरेंट करोगे तो आप कहोगे कि सर जी कि आयत में जो एंगल होते हैं वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, बस इतनी सी बात बतानी है आपको। तो बात कर लिया इसके परिमाप का तो वही होता है, बात कर लेते हैं अगर इसका क्षेत्रफल की। देखो क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है कभी कभार क्षेत्रफल। अब आधार गुणे ऊंचाई देखो कैसे, इसको हम लोग आधार मान के चलते हैं भाई, जो ये भुजा होगी वही ये भुजा होगी और ऊंचाई ये होती है, ये वाली ऊंचाई ये, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी होती है ना वो ऊंचाई कहलाती है। ये तो अलग बात हो गई, ये तो कुछ जैसे अगर इसको थोड़ा और झुका के तो ये लंबी पहुंच जाएगी, ऐसे अगर मिलाएंगे तो ये लंबी हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई जो सीधे सीधे यहां पर नापनी है तो वो ऊंचाई यानी कि आधार गुणे ऊंचाई। ओके तो ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अच्छा दूसरा भी तरीका है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, तीन तरीके हैं। एक तो होता है एल बी साइन थीटा, इस तरीके से भी हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एल बी साइन थीटा का मतलब है कि अगर ये वाला कोण अगर आपको 60 दे दिया, ये वाली भुजा 10 दे दी, ये वाली 5 दे दी, तो आपको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एल बी यानी कि इन दोनों को गुणा करनी है 10 गुणे 5 और गुणे में साइन थीटा, थीटा का मान कितना है साइन 60, यहाँ साइन 60 का मान रखना पड़ेगा, ऐसे क्षेत्रफल निकलेगा कभी कभार सवाल पूछने से। तो ज़्यादातर आपको सवाल ऐसा मिल जाएगा कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 5 है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है, तो सीधे 10 गुणे 5 50 आंसर आ जाएगा, कभी कभार ये बता रहे हैं ठीक है। तो ध्यान रखना है एल बी साइन थीटा। और ये कैसे बना है फार्मूला, ये आज के मैंने बहुत पहले आप लेक्चर देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा जिज्ञासा है जानने की तो आप सर्च कीजिए समांतर चतुर्भुज बाई अतुल सर, तो आपको वहां पर रिजल्ट मिल जाएगा। अन्यथा आप हाईवे क्लासेस पर सब्सक्राइबर हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, आप सभी लोग जानते हैं कि प्लेलिस्ट कैसे आएगी, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर मैंने बना रखे हैं मेंसुरेशन के जो चैप्टर वाइज सीरीज है तो आप उसको देख सकते हैं। ओके ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अच्छा एक तरीका और है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का, अगर हम इसको यहां पर एक विकर्ण खींच दें तो जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा। कभी कभार आपको ये भुजा देते हैं, ये भुजा देते हैं और ये विकर्ण देते हैं, कहते हैं कि भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, कोई तरीका नहीं है, ये त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और गुणा में दो कर दो तो दोनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, मतलब कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। हम सवाल भी आपको करवाएंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। आप सीक्वेंस वाले लेक्चर देखते रहिए, आपको मैंने टाइमिंग जो है सेट करने का प्रयास किया है, एक तो 7 पे लेक्चर आ जाएगा, एक 7:30 पे आ जाएगा, एक फिर 8 पे आ जाएगा, मौका लगा तो फिर 8:30 पर भी आ जाएगा, मौका लगा तो फिर 9 पर भी आ जाएगा, ठीक है। आपको देखते रहना है 2 घंटे लगातार देखते हैं। ओके तो ये बात हो गई समांतर चतुर्भुज की, आइए दूसरी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बात है एक चतुर्भुज और है जिसका नाम है सम चतुर्भुज, क्या नाम है, सम चतुर्भुज। अच्छा इसके नाम से बहुत ही स्पष्ट हो रहा है क्या कि सम भैया, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, यानी कि जिसकी चार भुजाएं बराबर वही सम चतुर्भुज। अच्छा चार भुजाएं तो वर्ग की बराबर हैं, तो क्या वर्ग सम चतुर्भुज है, हाँ
ये चीज हमने सीखने वाली है। तो देखो आपने वर्ग देखा है ना, पहले हम आपको वर्ग दिखाते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब ए गुणे ए ए स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए रूट टू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर, विकर्ण से विकर्ण होता है ए रूट टू। तो समचतुर्भुज में क्या अंतर है, हम आपको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, समझना। जैसे हम लोग आयत के ऊपर अगर बैठ जाएं तो वो थोड़ा झुक जाता है, तो समांतर चतुर्भुज हो जाता है। इसी प्रकार वर्ग को अगर दबाएं थोड़ा तो वो समचतुर्भुज बनता है। तो इसके भी भुजाएं बराबर होती हैं चारों, और वर्ग की भी भुजाएं होती हैं बराबर चारों। अब कोई पूछे तो भैया बताओ इसमें डिफरेंट क्या हुआ, डिफरेंस क्या है इसमें, तो आप क्या बताएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि वर्ग का प्रत्येक एंगल यानी कि प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का होता है, जबकि समचतुर्भुज का प्रत्येक एंगल 90 का नहीं होता है। बस इतना ही डिफरेंस यहां पर आएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके परिमाप की। तो परिमाप वर्ग का जो होता है वही समचतुर्भुज का होता है, इसका भी परिमाप 4a आएगा। बात कर लें अगर क्षेत्रफल से, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पीछे एग्जाम जितने भी निकले हुए हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, जैसे हमने एक यहां से यहां पर मिला दिया, ये एक यहां से यहां पर मिला दिया, ये क्या है, इनका नाम विकर्ण होता है, ए बी सी डी। यहां पर एक विकर्ण हो गया ए सी, दूसरा विकर्ण हो गया बी डी, इसको हम लोग डी वन डी टू भी कह सकते हैं। जैसे एक पहला डी वन डी टू, अच्छा ये डी वन डी टू ही क्यों कहा गया, अच्छा डी मतलब होता है डायगोनल, तो इसलिए इसका पहले नाम से डी रख दिया गया। क्षेत्रफल होता है एक बटे दो डी वन इंटू डी टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बटे दो डी वन इंटू डी टू। यहां पर डी वन डी टू क्या है, ये डी वन डी टू क्या है भाई, डी वन डी टू जो है ये डी मतलब डायगोनल, मतलब विकर्णों, विकर्ण है पहला, ये है विकर्ण है दूसरा। ये एक इंपॉर्टेंट बात। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर जो ये विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, ये 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाकर आपको स्पष्ट करता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। ये एक मान चलते हैं समचतुर्भुज है, जिसका ये पहला विकर्ण है, जिसका ये दूसरा विकर्ण है। अच्छा जो कौन बड़ा है कौन छोटा है, स्पष्ट हो रहा होगा कि ये वाला विकर्ण हमारा बड़ा है। ओके, तो यहां पर हमने कहा ये 90 डिग्री पर स्पष्ट करता है। अब ये 90 डिग्री पर काटता है, तो ये सारे एंगल 90 डिग्री पर ही काटते हैं, तो सभी को जोड़ोगे 360 बनेगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री पर काटता है, अगर हम जिसमें हमने एक नंबर कहा है ना, तो ये एक त्रिभुज बन गया है। देखो ये जिस पे हम लोग पेन चला रहे हैं, ये एक त्रिभुज है। कोई बताएगा कौन सा त्रिभुज है, आ रहा होगा ना दिमाग में कौन सा त्रिभुज है। अच्छा बताओ, जिस त्रिभुज में कोण एक 90 डिग्री का होता है, तो वो कौन सा त्रिभुज होता है। हम आपको ऐसे बना के दिखाएं अगर, तो अब बता दोगे आप, सभी बता देंगे कि ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का होता है, और ये समकोण इसका नाम होता है। क्या नाम होता है, समकोण। और समकोण के जो सामने की भुजा होती है उसका क्या नाम होता है, कर्ण। इसका मतलब ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, ये त्रिभुज नंबर एक, मतलब ये त्रिभुज के लिए एक कहलाएगी। और अगर ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज होने के नाते इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। जबकि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय ना लगा के हमने आपको ट्रिप्लेट सिखाए थे। क्या ट्रिप्लेट सिखाए थे, मैं फिर से बताता हूं, मैं आपको रटा दूंगा। ट्रिप्लेट कौन सी थी, तीन, एक तो थी 3 4 5, दूसरी थी 5 12 13, और तीसरी थी 8 15 17। ये तीन ट्रिपलेट अभी तक हमने आपको बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट, एक और है समय आने पर वो भी बता दूंगा। देखो अगर हमने कहा कि ये 5 है और ये 4 है, तो आप कह सकते हो कि भैया ये वाली भुजा 3 होगी। और सुनो, ये समकोण त्रिभुज की बात है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो आधे आधे पर काटते हैं, मतलब ये भी जो जितना होगा वही जितना होगा। जैसे अगर ये पूरा विकर्ण 8 है यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। अगर ये पूरा विकर्ण 6 है, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। फिर कहेगा कि इसके परिमाप बताओ। देखो क्वेश्चन कैसे बना, कहेगा एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। अच्छा परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो 4a होता है मतलब हमें भुजा चाहिए होगी, जबकि यहाँ पर क्या है, विकर्ण है। तो पूरा एक 6 है, मतलब छोटा वाला 6 है, तो हमने कहा आधे आधे पे काटेगा, तो 3 3 पे काटा। पूरा 8 है, तो हमने कहा आधे आधे पे काटेगा, तो ये 4 4 हुआ। सोचो ये 3 ये 4, ये कैसे निकलेगा,
तो ये हो गया विकर्ण, हो गया ये, हो गया ये कर्ण, हो गया किसके लिए? त्रिभुज नंबर एक के लिए, इस डायग्राम के लिए कर्ण हो गया। तो ये तीन है, ये चार है, तो ट्रिपलेट के नाते ये क्या होगा? पांच होगा। अगर ये पांच है तो ये भी पांच, ये भी पांच, ये भी पांच, और 4a होता है, मतलब 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, यानी कि 4a, या आप सीधे कह सकते हैं 5 × 20। तो इसकी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। कभी कभार यहाँ पर ये 13 होगा, ठीक है, ये 12 होगा, तो ये 13, ये 12, तो ये कितना? 5 होगा। नहीं, ये ट्रिपलेट है, तो इसकी सहायता से बहुत होगा। अगर जिन्होंने भी अभी तक ना ये याद कर पाए हो, तो सबसे जो पहला काम है वो ट्रिपलेट याद करने का होगा आपका, क्योंकि ये रीजनिंग में भी काम आएंगी। आप देख रहे हैं, इस समचतुर्भुज में काम आया, आयत में भी काम आया, त्रिभुज में भी काम आया, बहुत जगह काम आता है ये ट्रिपलेट। तो आपको तीन बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी, ध्यान रखना 5 × 12 यहाँ 17 ना कर देना, 5 × 12 13। ये कैसे आता है मैं बता चुका हूँ, ओके, ठीक है। अब हम एक डायग्राम की ओर आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है ये समलंब चतुर्भुज? कुछ ऐसे बनता है समलंब चतुर्भुज, इसका नाम ए बी सी डी, ये समलंब चतुर्भुज है। आपसे पूछते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या पूछते हैं? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बहुत आसान है, 1/2 समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। देखो ये है समांतर भुजाएं, इनमें जिनमें जो अंतर है वो समान है, समांतर भुजाओं का योग। कौन कौन सी समांतर भुजाएं हैं? एक तो है ए बी प्लस सी डी, समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, यानी कि जो इसकी ऊंचाई होगी वो गुणे में ऊंचाई, क्या बताना है? गुणे में ऊंचाई, बस इतना है समलंब चतुर्भुज में। इसका एक सवाल यही पूछा जाता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको बताना है 1/2 गुणे में समांतर भुजाओं का योग गुणे में ऊंचाई, तो बस इतना ही आपको बताना है। आई होप हमें इतनी बात आपको समझाने में सार्थक रहे हैं हम। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करना। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है, आप शेयर जरूर किया करो, क्योंकि अगर अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपसे कोई फीस अभी चार्ज नहीं करते हैं, अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम आपका सपोर्ट कैसे कर पाएंगे ना। तो आपको एक ही है कि आप क्या करें कि अपने लेक्चर को शेयर जरूर किया करें, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, और हम आपको बता दें कि जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करना है हाईवे और क्लासेस, यानी कि बीच में स्पेस नहीं देना है, हाईवे क्लासेस जब डालोगे तो आ जाएगा चैनल, तो उसको चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। हाईवे क्लासेस जो भी सूचना है तो वहां पर भी अब पोस्ट कर दी जाएगी, और जो भी बातें हैं वहां पर आप डाल सकते हैं। फेसबुक ग्रुप पे वहां ज्वाइन हुई है, पेज पर ज्वाइन हुई है, जहां पर है, तो हम लोगों के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो कुछ अच्छी बातें मिलेंगी आपको, वहां फालतू पोस्ट नहीं होती हैं, ओके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो हमसे रिलेटेड, कोई भी थ्योरी जाननी हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो हमारे ऑफिशियल नंबर व्हाट्सएप नंबर 9935001225 पर आप मैसेज कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।